बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह नेम आई बिगिन विद द मोस्ट कंपैशनेट एंड मर्सीफुल रपिशरहली सदरी व यसिरली अमरी बहलुल उक्दा तम मिलिसानी अफकाउ कोली। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट द पहचान, अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कब बनता है? जब हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हम कहते हैं ये पैसिव वॉइस है। और जब हु से कोई सवाल किया जाए और उसका जवाब मिल जाए, उसका जवाब कोई शख्स हो या कोई चीज़ हो, तो ये एक्टिव वॉइस, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये इसकी मोटी सी पहचान है। दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस ये है कि जब आप हु से क्वेश्चन करें, कौन आप सवाल करेंगे कौन कर रहा है, तो अगर आपको किसी शख्स का नाम मिल जाए, किसी शख्स का या चीज़ का नाम आ जाए, जवाब मिल जाए, हु का जवाब अगर आपको मिल गया तो समझ लेंगे एक्टिव वॉइस है। और अगर आपको हु का जवाब नहीं मिलता तो वो समझ जाएं ये पैसिव वॉइस है। और मज़ीद ये कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये एक मोटी सी इसकी पहचान है। मैं अब मिसालें आपको दे देता हूँ पैसिव वॉइस की। मिसाल क्या है, जिस तरह द डोर वॉज पेंटेड, अगर हम हु का क्वेश्चन करें किसने किया है, तो आपको इसका जवाब नहीं मिलने वाला, हु का जवाब आपको नहीं मिलेगा कि किसने किया है। बट द डोर वॉज पेंटेड, दरवाजे पे रंग कर दिया गया, तो हमें इसका जवाब नहीं मिला। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस में अगर किसी सवाल किया जाए हु के साथ, और हु के साथ सवाल किया जाए तो उसका जवाब भी मिले, कोई शख्स का नाम आ जाए या किसी शय का नाम आ जाए, तो समझ जाए ये एक्टिव वॉइस है। उसको हम फिक्रे को एक्टिव वॉइस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे तो था द डोर वॉज पेंटेड, यहाँ है असलम पेंटेड द डोर, असलम ने दरवाज़ा पेंट किया, तो ये एक्टिव वॉइस है। क्योंकि हु का अगर आप क्वेश्चन करें तो आपको असलम का जवाब मिल जाएगा। नाउ आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वो सारे के सारे रूल्स दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, और ये मैं तीसरी दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ। पिछले तीन लेक्चर्स में से दो में मैंने रिवाइज किया, अब इसको दोबारा से कर देता हूँ कि पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट जो कि हमने इसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, और चौथे नंबर पे हमने हम सब्जेक्ट लिखते हैं और ये लिखा जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब आई हैव रिटन डिफरेंट एग्जाम्पल्स, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नोट व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू गाइज। द आइडेंटिफिकेशन विल बी सेम इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आप उर्दू में अगर आप पहचान की बात करेंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पहचान जो है वो दोनों की सेम होती है, एक ही तरह से इनकी पहचान होती है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, उर्दू के अल्फाज के लिहाज से। तो अब मैं चलता हूँ सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। इनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, अफर्मेटिव यानी मस्बत जुमले। तो मस्बत जुमलों को हम कैसे करते हैं, ये पहले मैंने एक्टिव वॉइस लिखा है, फिर हम इसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं। द हंटर किल्स अ स्नेक, शिकारी सांप मारता है। द हंटर किल्स अ स्नेक, शिकारी सांप मारता है। तो अब हम ये मैंने इसलिए साथ लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। सबसे पहले हमने लिखना है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमने क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्नेक, अ स्नेक। द हंटर किल्स अ स्नेक, शिकारी सांप मारता है। तो सांप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ स्नेक, डेफिनेटली हमने कैपिटल से ही स्टार्ट करना है अ स्नेक, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। यहाँ पे ये यहाँ पे ये एंड पे है, या ए जो है आर्टिकल दरमियान में है, तो ये बड़ा नहीं लिखा जाएगा, ये स्टार्ट में है। तो अ स्नेक, ए अ विल बी कैपिटल, अ स्नेक। आगे क्या है, अब किल्स अ स्नेक, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब इसमें ज़रा गौर कर लीजिएगा, जो पैसिव वॉइस में इसके होते हैं, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो होते हैं इज एम और आर, इज एम आर। ये पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब आपने याद रखना, यानी अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो उसमें डू नॉट आ जाता है या डू और डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो जो सादा जुमले होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब होते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस के जुमले करेंगे तो ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तो अब हमने आज स्नेक के बाद क्या लिखना है, जाहिर है स्नेक एक है तो इज लिखा जाएगा, आए हैं, यानी अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा वो आए है तो एम लिखा जाएगा, अगर ज़्यादा लोग हैं तो वो उनके साथ हम आर लिखेंगे। तो आ स्नेक चूँकि ये सिंगल हैं इसलिए इज लिखा जाएगा। अब ये भी हो गया, हमने ऑब्जेक्ट भी कर लिया, हमने हेल्पिंग वर्ब इज भी लिख लिया, और कोई भी पैसिव वॉइस है उसमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में एस लिखा हुआ है, तो अब इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अ हंटर इज किल्ड, और चौथे नंबर पर हमने बाय का इस्तेमाल करना है, बाय का, चूँकि हंटर मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, इसको जब हमने ऑब्जेक्ट में लेके जाना है तो हम बाय का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। तो बाय, A snake is killed by, by, अब आखिरी नंबर क्या, आपने लिखना है सब्जेक्ट, जो कि दरअसल आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, या ऑब्जेक्ट आप इसको ऑब्जेक्ट ही कह सकते हैं। तो A snake is killed by the hunter है, तो the hunter आपने यहां पे लिख दिया। अमूमन मैं पहले से जुमले लिख देता हूँ, लेकिन इनको लिखने का मकसद ये था ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए कि हमने इसको कैसे करना है। और आगे ये है टू, आई राइट अ पोइम, आई राइट अ पोइम, ये एक्टिव वॉइस है, तो आई राइट अ पोइम, इसको हम वन बाय वन करते हैं कि किस तरह करना है। आप दोबारा से आपने उसकी तरफ नज़र रखनी है कि सबसे पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, अ पोइम, आई राइट अ पोइम, अ पोइम जो है ये ऑब्जेक्ट है, अ पोइम। अच्छा, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज एम आर है, तो इज एम आर में देखा जाएगा यहाँ पे कौन सा एडजस्ट करता है, तो यहाँ पे आप पोइम के साथ इज लिखेंगे, चूंकि आप पोइम इज सिंगुलर, अ पोइम इज सिंगुलर, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, अ पोइम इज, ये दो लिख लिए अपने हेल्पिंग वर्ब। तीसरे नंबर पे है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, यहाँ पे है राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, अ पोइम इज रिटर्न। अब चौथे नंबर पे क्या आना है, बाय, अ पोइम इज रिटर्न बाय, और पांचवें नंबर पे सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट चूंकि इसने ऑब्जेक्ट बन जाना है, तो यहां पे क्या है, आई, सब्जेक्ट को चेंज करके हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, जब इसको हम ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये मी हो चुका होगा, तो अ पोइम इज रिटन बाय मी, अ पोइम इज रिटन बाय मी। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट हो गया। देयर इज अनदर एग्जांपल फॉर यू, अमजद बीट्स हिम, अमजद बीट्स हिम, अमजद उसे मारता है, तो अमजद उसे मारता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जो कि दरअसल यहाँ पे हम जब हम पैसिव वॉइस कर चुके होंगे तो ये सब्जेक्ट होगा, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको आपने जहन में रखना है। तो अमजद बीट्स हिम, अमजद उसे मारता है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, फिक्रे के ऑब्जेक्ट के, और इसको हमने सब्जेक्ट बना के लिखना है, तो हिम है, तो इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है, जिस तरह मैंने एक पहले लेक्चर में बताया था आपको कि जो फॉर्म है वो भी तब्दील होती है, सब्जेक्टिव केस है तो उसको जब हमने ऑब्जेक्टिव केस की तरफ लेके जाना है तो उसकी फॉर्म भी तब्दील होगी। तो अब ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस को जब हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे या सब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो हम इसकी फॉर्म भी तब्दील करेंगे, तो हिम की ही आएगी यहाँ पे, ही, तो ही के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिख सकते हैं इज एम आर में से, डेफिनेटली इज लिख सकते हैं चूंकि ये सिंगुलर है, ही इज, ही इज, अब वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो आपने इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, ये वाली, तो ही इज अ थर्ड फॉर्म बीट की, बीटन होती हैं, ये एस
तो जाहिर है इसलिए आया है चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये एस तो खत्म हो जाएगा, एस का तो यहां पे जिक्र ही नहीं रहेगा। तो ही इज बीटन, बीटन के बाद चौथे नंबर पे जो बाय है ये आपने बाय एस इट इज लिख दिया, ही इज बीटन बाय। अब बाय अमजद है, अमजद सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अमजद में अमजद ही रहना है, अगर आए होता तो मी हो जाता, ठीक है जी, लेकिन अमजद है। नेम है, नेम विल बी सेम, ही इज बीटन बाय अमजद। सो दिस इज फॉर द सिंपल सेंटेंसेज और फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंसेज, उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेज को हम किस तरह से करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेज में ये जो तरतीब है ये सेम रहेगी, ये मैंने साथ इसलिए लिखी है ताकि मैं जब व्हेन आई एम गोइंग टू चेंज द थिंग्स और चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट और व्हेन आई एम गोइंग टू यूज द हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आई एम गोइंग टू यूज द बाय, तो आपको साथ साथ पता चल जाए कि आपने करना कैसे है। तो आई डू नॉट टीच देम, मैं उनको नहीं पढ़ाता हूँ। अब इसको ये एक्टिव नेगेटिव है, इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, ये एक्टिव सेंटेंस है और एक्टिव सेंटेंस का नेगेटिव है, तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि दरअसल ऑब्जेक्ट से हम बनाएंगे, तो देम, देम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बट हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो कैसे करेंगे। देम का जो होता है वो सब्जेक्टिव केस जो होता है वो दे होता है, दे लिखा हमने, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और जब हम नेगेटिव लिखेंगे तो फिर जाहिर है इज नॉट और एम नॉट और आर नॉट लिखा जाएगा, जिस तरह एक्टिव वॉइस में डू नॉट या डस नॉट लिखते हैं, यहाँ पे हम इज नॉट एम नॉट आर नॉट लिखेंगे। तो इसको हमने चेंज किया, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदला, तो दे लिखा, तो दे के बाद क्या आएगा, जाहिर है आर आएगा, दे इज प्लूरल तो हम आर लिखेंगे, दे आर, तो नेगेटिव है तो आर नॉट हो जाएगा, दे आर नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, दे आर नॉट और नॉट डेफिनेटली लाजमी आएगा क्योंकि ये नेगेटिव का फिक्रा है। इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो दे आर नॉट टीच, टीच की जो होती है वो होती है टॉट, दे आर नॉट टॉट, वो उनको नहीं पढ़ाया जाता। अब चौथे नंबर पे क्या लिखना है, बाय, थर्ड फॉर्म भी होगी, बाय हमने लिखा, दे आर नॉट टॉट बाय आएगा, जो ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो ये मी आएगा। अब ये पैसिव, पैसिव वॉइस नेगेटिव, पैसिव वॉइस नेगेटिव हो गया ये वाला। अब आई एम गोइंग टू मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल, वी डू नॉट राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस नेगेटिव है, तो इसको वी आर गोइंग टू चेंज इट नाउ, तो वी डू नॉट राइट अ लेटर, हम एक खत नहीं लिखते हैं। तो दोबारा से आप चलिएगा, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना है, आ लेटर, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, आ लेटर, अ लेटर चूंकि सिंगुलर है तो हमने इज लिखा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो हमने अ लेटर इज, तो चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए नॉट लिख दिया, अ लेटर इज नॉट। अब वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल कर लिया, नॉट भी साथ में आएगा, इज नॉट होगा, तो राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रिटर्न होती है, अ लेटर इज नॉट रिटर्न, थर्ड फॉर्म भी होगी। चौथे नंबर पे हम लिखेंगे बाय, बाय लिखा, अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय, कौन है, वी, और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है, अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय अस, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय अस। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट
द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जाहिर है जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो वो डू और डज से स्टार्ट होते हैं, और इसी तरह चूँकि पैसिव वॉइस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो पैसिव वॉइस में जब हम फिक्र करेंगे तो फिर हम इज एम आर से फिक्रों का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले जो फिक्र हमने लिखा हुआ है वो है डू वी सिंग अ सॉन्ग, क्या हम गीत गाते हैं, डू वी सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, अब आपने देखना है चूंकि इसको हमने बनाना होता है, फिक्रे का सब्जेक्ट बनाना होता है, तो सबसे पहले आपने इसको देखना होता है कि ये क्या है, ये जमा है, ये वाहिद है, अगर ये जमा है तो आर लिखा जाएगा, अगर ये वाहिद है तो इज लिखा जाएगा। तो आ सॉन्ग जो है ये वाहिद है, तो वाहिद के लिहाज से इज हम शुरू में लिखेंगे, जिस तरह हम डू लिखते हैं या डस लिखते हैं इसी तरह हम पैसिव वॉइस के फिक्रों के फिक्रों में शुरू में इज एम आर में से जो भी मुनासिब है, जो भी अकॉर्डिंग टू द रूल्स आता है उसको हम लिखेंगे। तो इज हमने शुरू में लिख दिया इज। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम जो ऑब्जेक्ट हैं उसको सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, नहीं सब्जेक्ट लिखेंगे इज। आप सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, आ सॉन्ग, इज आ सॉन्ग। अब चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, वो पहले नंबर पे आ गया, ये भी हो गया, यानी ऑब्जेक्ट भी हमने सब्जेक्ट बना के लिख लिया, इज अ सॉन्ग आया। तो अब आनी है थर्ड फॉर्म, तो सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है संग, इज अ सॉन्ग संग। चौथे नंबर पे क्या आना है, बाय आना है, इज अ सॉन्ग बाय। ऑब्जेक्टिव केस में वी को हम चेंज करके अस लिखेंगे और आखिर पे सवालिया निशान लगा देंगे। ये इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है। अब नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या है, डज ही बाय द मैंगोस, द मैंगोस ये प्लूरल है, ये ज़्यादा हैं, इस पे आपने गौर करना है। तो जब ये ज़्यादा होंगे तो शुरू में डज नहीं आएगा, अब चूँकि यहाँ पे तो ही है उसके लिहाज से तो डज ही आना है, लेकिन हम हमारे लिए आप जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बनेगा वो मैंगोज हैं, तो हमने सबसे पहले इसको देखना, चूंकि ये सवालिया हैं इंटरोगेटिव है तो हम इज एम आर में से इज तो नहीं आएगा, वाहिद है, आर ही आएगा, एम भी नहीं आएगा, तो चूंकि मैंगोज ज़्यादा हैं तो आर हम लिखेंगे शुरू में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, चूँकि ये सवाल है आर। आगे क्या आना है, वही जो आखिर पे ये ऑब्जेक्ट है इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द मैंगोज लिखा जाएगा, आर द मैंगोज, आर द मैंगोज, आर द मैंगोज। अच्छा, अब हमने क्या करना है, चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब भी लिख लिया, जाहिर है वो पहले नंबर पे आएगा, और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बना के लिख दिया, अब अगले नंबर पे आनी है बारी थर्ड फॉर्म की। तो आर द मैंगोज बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बॉट होती है, बी ओ यू जी एस टी, बॉट, आर द मैंगोज बॉट। चौथे नंबर पे बाय आ गया और पांचवें नंबर पे हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया और ही का हिम बनता है, आगे सवालिया निशान लिख दिया, तो क्या बनेगा, आर द मैंगोज बॉट बाय हिम। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड्स थर्ड सेंटेंस विच इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो हु रिंग्स द बेल, हु रिंग्स द बेल, और मैंने बड़े एक पहले लेक्चर में बताया था कि जब हु आए तो उसकी जगह उसको आपने बाय होम से चेंज करना है पैसिव वॉइस में। बाय होम क्वेश्चन हो गया, बाय होम, हु ये एक्टिव वॉइस में होता है, बाय होम पैसिव वॉइस में होता है, बाय होम। बाय होम के बाद आपने फिर उसी तरह से आपने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, द बेल एक है तो बाय होम के साथ इज आ जाएगा, बाय होम इज आ गया, जाहिर है आप सब्जेक्ट ही लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट लिखा, बाय होम इज द बेल, रिंग्स की जगह रंग आ गया, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता कौन करता है ये काम, इसलिए हम बाय लिख के और मज़ीद उसका हम जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं लिख सकते, तो चूँकि ये है ही सवाल हमें पता ही नहीं है ये काम किसने किया है, तो बाय होम आया, हु की जगह पे बाय होम इज आ गया, बेल के लिहाज से इज द बेल, और रिंग्स की थर्ड फॉर्म या रिंग की थर्ड फॉर्म रंग हो गई। उम्मीद है
आप डियर स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी. दिस इज द लास्ट, दिस वॉज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई जूम क्लास यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर. इसका मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका होमवर्क सेंड कर दूंगा, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो ये काम करके कल शाम की क्लास में तशरीफ़ लाएंगे. अल्लाह ताला आपका मेरा हम सबका हामी व नासिर हो. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.